वेलकम टू विकास क्लासेस। आज हम आपको बताने वाले हैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, अंतःकोण समद्विभाजक प्रमेय। तो अंतःकोण समद्विभाजक प्रमेय का कथन क्या है कि एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड है, यानी जो वर्टेक्स एंगल है वर्टेक्स एंगल को हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो जो ये एंगल बनाने वाली साइड है जो जिस लेंथ में है या जिनका जो रेशियो है वही सामने वाली साइड का भी रेशियो होगा। तो इसके लिए आपको साइन रूल आना चाहिए। साइन रूल क्या कहता है, अगर कोई अगर एक ट्रायंगल है जैसे ए बी सी एक ट्रायंगल है और ए के सामने की साइड स्मॉल, ए बी के सामने की साइड स्मॉल भी, सी के सामने की साइड स्मॉल सी, तो साइन रूल क्या कहता है कि अगर जो एंगल है उसका साइन, जैसे मान लो साइन ए अपॉन उसके सामने वाली साइड का रेशियो बराबर साइन बी अपॉन उसके सामने की साइड का रेशियो और बराबर साइन सी अपॉन उसके सामने की साइड का रेशियो, ये होता है साइन रूल। तो इसको बस आपको माइंड में रखना है और इसी के आधार पर हम ये अंतःकोण समद्विभाजक प्रमेय का प्रूफ करेंगे। तो देखिए इसका प्रूफ, तो हम क्या कहते हैं, इससे साइन रूल अप्लाई करने पर कौन से ट्रायंगल में, जो ए बी डी ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी डी में साइन रूल अप्लाई करेंगे। ए बी डी में कैसे साइन रूल अप्लाई करेंगे, देखिए हमने कहा ए बी डी, इसमें क्या है साइन अल्फ़ा, तो हम क्या कहेंगे साइन अल्फ़ा अपॉन इसके सामने की साइड क्या है बी डी बटे, जैसे मान लिया जाए कि ये साइन अल्फ़ा है और ये बीटा, मान लो इसको बीटा मान लिया, ये एक इसको हम मान लेंगे 180 माइनस बीटा। देखिए क्योंकि जो एक लीनियर पेयर होता है उन दोनों का सम कितना होता है 180, तो अगर हमका एक बीटा है तो दूसरा क्या हो जाए 180 माइनस बीटा, तो ये साइन अल्फ़ा अपॉन बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हम कहेंगे साइन, ये देखिए बीटा बटे इसके सामने की साइड ए बी, इस तरह से इस ट्रायंगल में साइन रूल लगाया है। तो हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी साइन अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा बी डी साइन बीटा, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद हम ट्रायंगल ये वाला ले लेते हैं, ट्रायंगल कौन सा ए डी सी, ए डी सी ट्रायंगल ले लेते हैं, तो हम क्या कहेंगे साइन अल्फ़ा के सामने की साइड डी सी बराबर साइन 180 माइनस बीटा के सामने की साइड ए सी, ये ऐसे लिख देंगे। अब देखिए हमें मालूम है 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, तो इसको हम सीधे साइन बीटा ही लिख देते हैं, ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। या अभी इसको थोड़ा सा और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, ए सी साइन बीटा बराबर क्या हो जाएगा डी सी साइन, सॉरी ए सी साइन अल्फा बराबर डी सी साइन बीटा, तो इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब देखते हैं इसमें सिमिलरिटी कौन कौन सी मिल रही है, हम सीधे ऐसा भी कर सकते हैं इन दोनों को अपॉन में ले लें, यानी फर्स्ट अपॉन सेकेंड कर देते हैं, तो हम क्या कहेंगे ए बी साइन अल्फ़ा बटे ए सी साइन अल्फ़ा बराबर बी डी साइन बीटा और बटे क्या हो जाएगा डी सी साइन बीटा। हम क्या कहें साइन अल्फ़ा कैंसिल, साइन बीटा से साइन बीटा कैंसिल, तो हम क्या कहेंगे ए बी बटे ए सी बराबर क्या हो जाएगा बी डी बटे डी सी। तो यही है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जैसे कि अगर कह दिया जाए ए बी बटे ए सी बराबर क्या हो जाएगा बी डी बटे टी सी, यानी जैसे मान लिया जाए 8 और ये जैसे 8 कह दिया जाए और इसको 24 कह दिया जाए, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा 8 और 24 का, 8 एकम 8, 8 तरीका 24, तो जो एंगल बनाने वाली जो साइड है उसका अपोजिट क्या होगा, उसके जो एंगल बनाने वाली साइड का जो रेशियो है वही अपोजिट साइड का भी रेशियो होगा। तो ये है अंतःकोण समद्विभाजक प्रमेय। अब हम आपको बताने वाले हैं एंगल बाइसेक्टर की लंबाई कैसे निकालते हैं, यानी कोण समद्विभाजक की लंबाई। जैसे मान लिया जाए कि अगर कोई एक ट्रायंगल एबीसी है, अगर ये ट्रायंगल
अगर कोई ट्रायंगल एबीसी है, ये ए मान लेंगे, इसको बी और इसको सी। अगर जैसे एंगल बाइसेक्टर ये है, जैसे डी पर कट कर रहा है, तो हम ये इसकी लेंथ में निकालना है, तो इसको हम मान लेते हैं एक्स। और जैसे अगर एक एंगल को मान लेते हैं जैसे ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये अगर मान लो थीटा, तो ये वाला कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो अब स्टार्ट करते हैं, जैसे ये एंगल बाइसेक्टर है, सी के सामने की साइड स्मॉल सी, बी के सामने की साइड स्मॉल बी, और ए के सामने की साइड स्मॉल ए। इस तरह से मान लिया जाए कि ये एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है, जैसे हमने मान लिया कि एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है, एम रेशियो एन में हमें मालूम नहीं, लेकिन हमें निकालना है, तो हमने एज्यूम किया। तो अगर मान लो यहाँ से अगर कॉस रूल लगाते हैं, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, उनका ये जो कोण बनाने वाली साइड है, यानी हम कहेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और माइनस क्या लिखेंगे सी स्क्वायर अपॉन टू एक्स एम, ये लिख दिया। अब हमें कॉस 180 माइनस थीटा लिखना है, तो लिख देते हैं कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं कॉस 180 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, जो एंगल बनाने वाली साइड एक्स और एन, तो एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस का इसके सामने की साइड स्मॉल भी, तो बी स्क्वायर अपॉन टू एक्स एन। तो देखिए ये जो कॉस 180 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस का कॉस थीटा। तो यहाँ अप्लाई करते हैं, देखिए अब हम करेंगे जैसे कि इन दोनों का बराबर कर देते हैं, बस माइनस का फ़र्क है, तो बराबर करते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू एक्स एम बराबर इसको क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस देखिए अगर जो ये माइनस है, तो इसको भी अगर माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस का, और बाकी ये माइनस के, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन टू एक्स एम, ये भी देखिए माइनस का हो जाए, ये माइनस का ही है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन टू एक्स एन। अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे m का गुणा इसमें कर देते हैं और n का गुणा इधर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा nc स्क्वायर हो जाएगा nc स्क्वायर माइनस ये nx स्क्वायर माइनस nx स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं जगह नहीं है, यहाँ n सी स्क्वायर माइनस एन एक्स स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर एन बराबर ये क्या हो जाएगा, एम का गुणा इसमें करेंगे तो एम एक्स स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर माइनस का एम बी स्क्वायर। अब इतना हो गया, अब इसको कुछ रीअरेंज करते हैं। तो देखिए हमने पहले आपको बताया है कि एंगल बाइसेक्टर का रेशियो क्या होता है, जैसे मान लो सी बटे बी बराबर क्या ले सकते हैं, सी बटे बी बराबर क्या लिख सकते हैं, एम बटे एन, ये लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। तो हम ऐसे कह देंगे कि जहाँ बी एम है उसकी जगह क्या लिख देंगे, सी एन, जहाँ पर बी एम है उसकी जगह सी एन रख देंगे। अब देखिए इसमें हम थोड़ा सा कुछ चेंजमेंट कर देते हैं, जैसे कि बी एम बराबर सी एन, ये आपको याद रखना है। जैसे कह दिया यहाँ पे एम बी स्क्वायर है, एम बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एम बी को लिख सकते हैं एम बी इंटू बी, इसको क्या लिख सकते हैं एम बी इंटू बी, एम बी की जगह क्या लिख देंगे सी एन, तो बी सी एन हो जाएगा इसकी जगह पे, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा बी सी एन, इसको हटा करके हम बी सी एन लिख देंगे। अब देखिए जैसे कह दिया एन सी स्क्वायर, एन सी या सी एन बात एक ही है, इसको एन सी इंटू सी लिखेंगे, एन सी इंटू सी, और एन सी की जगह क्या लिख देंगे बी एम, तो बी एम सी हो जाएगा ये बस। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो देखिए हम ये बी एम सी लिख देते हैं, ये बी एम सी और ये बी सी एन, ये माइनस का इस तरफ आएगा प्लस का, बी सी एन आएगा,
और क्या होगा, और तो यहाँ पर कुछ बनता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ ये देखिए ये और ये यहाँ हो जाएगा माइनस का एम स्क्वायर एन, और ये प्लस का माइनस का एम एन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ एम एक्स स्क्वायर लिख देंगे, और ये माइनस का एन एक्स स्क्वायर इसको प्लस का एन एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कुछ कॉमन देखिए मिल रहा है, बी सी देखिए मिल रहा कॉमन, बी सी लिख लिया कॉमन, बी सी हमने कॉमन ले लिया। जब बी सी अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ एम प्लस एन बचेगा, माइनस यहाँ पे एम एन कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा एम माइनस का मल्टीप्लाई किया प्लस का एन बराबर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ एम प्लस एन, तो एम प्लस एन इससे भी इससे सबसे कॉमन लेके काट देते हैं तो हम ऐसे कहेंगे बी सी माइनस एम एन बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, या स्क्वायर हटा करके हम ऐसे कहेंगे इधर अंडर रूट लगा देंगे तो हम कहेंगे जो एंगल बाई सेक्टर की लेंथ होती है तो एक्स बराबर क्या होता है अंडर रूट, अंडर रूट क्या हो जाएगा किनारे किनारे वाली जो साइड एंगल बनाने वाली यानी एंगल बाई सेक्टर को काट बनाने वाली साइड क्या है बी सी, तो उसको बी सी का मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस, और जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका हो गया एंगल बाई सेक्टर की लेंथ निकालना। अब देखिए इससे बहुत ईजी क्वेश्चन बन जाते हैं। अब जैसे आपके सामने क्वेश्चन लिया है कि ए डी एंगल बी एस सी का कोण समद्विभाजक यानी एंगल बाई सेक्टर है, जिसमें से आपको दिया ए बी और बी डी ए डी की लंबाई निकालना है। देखिए अगर एक ट्रायंगल जैसे है ए बी सी एक ट्रायंगल मान लिया, ये इसमें दिया गया है ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें से कह रहा है बी ए सी, बी ए सी का एंगल बाई सेक्टर ए डी है, ए डी एंगल बाई सेक्टर है, ए डी एंगल बाई सेक्टर है, तो ये एंगल बाई सेक्टर इसमें से हमें कह दिया ए बी की लंबाई 8 सेंटीमीटर, बी डी की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो हमें ए डी की लंबाई यानी लेंथ ऑफ एंगल बाई सेक्टर निकालना है। तो हमने आपको बताया था अभी कोण समद्विभाजक प्रमेय क्या होता था, ए जो ए बी ए सी का रेशियो हमने बताया ए बी बटे ए सी बराबर क्या होता है बी डी बटे डी सी, यही हमने आपको बताया। तो इसमें हम कह सकते हैं इसमें एक और भी चीज़ दी गई है, ये अगर 6 सेंटीमीटर हो तभी निकाल पाएंगे, ये 6 सेंटीमीटर 8 और ये 6 दे रखा है, इसमें से ये बी डी 4 दिया गया, अब एंगल बाई सेक्टर निकालना है। देखिए ए बी की लंबाई 8 है तो 8 लिख दिया, बटे ए सी की लंबाई कितनी है 6 तो 6 लिख दिया, बी डी की लंबाई 4 है 4 लिख दिया, डी सी की लंबाई नहीं मालूम डी सी लिख दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौको 24 बराबर 8 डी सी, तो डी सी बराबर कितना हो जाएगा 8 3 का 24 यानी डी सी बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, डी सी की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। तो अब जैसे अगर 3 सेंटीमीटर आ जाएगा तो हम ए डी की लंबाई इजीली निकाल लेंगे, जैसे अभी हमने आपको बताया कैसे एंगल बाई सेक्टर थ्योरम को यूज करते हैं। देखिए 8 × 6 लिख दिया 8 × 6 माइनस 4 × 3 लिख दिया 4 × 3 8 × 6 = 48 और माइनस 8 × 3 = 24 24 × 2 = 48 तो ये रूट 24 हो गया, सॉरी 24 × 2 = 48 होता है ना, हाँ तो ये आपका आ जाएगा 6 × 2 = 4 × 24 यानी 2√6 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो इससे इजली निकाल पाएंगे।